ज्ञानवापी मुक्ति परिषद द्वारा उदयनिधि स्टालिन का पुतला दहन किया गया। विगत कुछ दिन पूर्व उदयनिधि स्टालिन के द्वारा सनातन धर्म को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी, जिस पर स्टालिन का देश में तमाम जगहों पर विरोध किया गया था। वहीं ज्ञानवापी मुक्ति परिषद व अधिवक्ताओं के द्वारा उदयनिधि स्टालिन का प्रतीकात्मक पुतला दहन कर विरोध जताया गया। साथ ही उनको सनातन धर्म के अपमान करने पर कुरियर द्वारा हिजाब और कुल्हाड़ी भेजी गई। ये उदयनिधि स्टालिन का पुतला जलाया गया है। विगत कुछ दिन पूर्व उनके द्वारा सनातन धर्म को कोरोना, डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारी से संबोधित किया गया था, जिससे हिंदू समाज में काफ़ी रोष व्याप्त है। और उन चीज़ों को देखते हुए, चूंकि सनातन धर्म को मिटाने के लिए तमाम लोग आए, रावण से लगाया तो औरंगजेब, बाबर, हुमायूं, अकबर, ये तमाम लोग आए जो कि सनातन धर्म को मिटाने का प्रयास किए और लगातार उसकी अवहेलना करने की कोशिश किए, जिसका परिणाम ये हुआ कि वो मिट गए लेकिन सनातन धर्म को हिला डिगा तक नहीं पाए। उसी क्रम में उदयनिधि स्टालिन, जो कि कुछ दिन पूर्व सनातन धर्म को कोरोना जैसी बीमारी बता रहे थे और ख़त्म करने की बात कह रहे थे, तो बाप के साथ बेटा भी चला जाएगा और इनकी पुश्तें खत्म हो जाएंगी लेकिन सनातन धर्म नहीं ख़त्म होगा। उसी चीज़ों को लेते हुए उनका पुतला दहन किया गया है। उनको बुर्का और कुल्हाड़ी भेजा जा रहा है। बुर्का पहने और कुल्हाड़ी से अपने हाथों से अपना खतना कर लें और अपने धर्म में, चूँकि औरंगजेब बाबर वाली भाषा बोल रहे हैं, तो औरंगजेब बाबर वाले धर्म में जाकर अपना जीवन यापन करें।